स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीर। करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी 71,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, कल 45 जगह होगा रोजगार मेले का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले 2047 तक विकसित देश होगा भारत। सिक्योरिटी सर्विसेज आशीष मोरे पर सख्त हुई दिल्ली सरकार, थमाया कारण बताओ नोटिस। सिद्धारमैया बोले मुझे कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं कांग्रेस के अधिकांश विधायक। कर्नाटक के नए सीएम 30 कैबिनेट सदस्यों के साथ 18 मई को ले सकते हैं शपथ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दी जमानत अर्जी। दिल्ली के तिहाड़ जेल अधीक्षक को मिला शो कॉज नोटिस, सत्येंद्र जैन की सेल में कैदियों के ट्रांसफर का मामला। पटना में बोले बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, बिहार से ही जलेगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का 2 दिवसीय मिस्र दौरा, कल से रक्षा मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के एनसीपी विधायक जयंत पाटिल को ईडी का नोटिस, 22 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत 5 जिलों में 13 जगह रेड टेरर फंडिंग केस में एनआईए का एक्शन। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व में 7 मजार पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने ध्वस्त कराया अवैध निर्माण। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण सड़क हादसा, 1 मासूम और 5 महिलाओं की हुई मौत। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भड़की हिंसा, शोभा यात्रा पर पथराव, 8 पुलिसकर्मी हुए घायल। तमिलनाडु में जहरीली शराब के सेवन से 10 की हुई मौत, कई की हालत गंभीर, अस्पताल में हुए भर्ती। दुबई से अमृतसर की फ्लाइट में शराब पीकर महिला यात्री से छेड़खानी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।